वेलकम वेलकम वेलकम, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के वीडियो में आपको टॉप 10 हॉलीवुड मिस्ट्री मूवीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। इन फिल्मों का सस्पेंस इतना ज़्यादा दमदार है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। और इन फिल्मों को आप डाउनलोड कौन सी साइट से कर पाएंगे वो भी मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। द फॉरगॉटन, इस फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो फिल्म के मेन कैरेक्टर में है टेली। टेली के 9 साल के बेटे सैम की मौत एक साल पहले हुई थी, मगर टेली अब तक सैम की मौत के दुख से उभर नहीं पाई है। जब टेली के घर से सैम की सारी चीज़ें गायब हो जाती है, जैसे सैम की फ़ोटोज, सैम की वीडियोस, बचपन की वीडियोस वगैरह वगैरह। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टेली का डॉक्टर टेली को बताता है कि तुम्हारा कभी कोई बेटा था ही नहीं। आखिर क्या मिस्ट्री है इस फिल्म की, वो आपको इस फिल्म में ही देखने को मिल जाएगा। इस फिल्म की रेटिंग 5.8 की है। ये फिल्म हिंदी डब में अवेलेबल है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो इस फिल्म के मेन कैरेक्टर में क्रिस्टीन। एक हमले में बचने के बाद क्रिस्टीन एक बीमारी से पीड़ित होती है। वो जब भी सुबह उठती है तब उसे अपनी बीती जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो नई यादें नहीं बना पाती, यहाँ तक कि वो अपने पति बेन को भी याद नहीं रख पाती। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब क्रिस्टीन को लगता है कि उसका पति बेन उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड काफ़ी बातें छुपाने लगा है, और क्रिस्टीन के साथ अजीबोगरीब घटना होना शुरू हो जाती है। अब फिल्म की क्या मिस्ट्री है वो आपको इस फिल्म में ही देखने को मिल जाएगी। फिल्म की रेटिंग जो है 6.3 की है, और ये फिल्म हिंदी डब में अवेलेबल है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। रेड आइज, इस फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो इस फिल्म के मेन कैरेक्टर में है लीज़ा। लीज़ा एक रात मियामी जाने के लिए एक फ़्लाइट में बैठती है, जहां उसकी मुलाकात जैक्सन नाम के एक अनजान शख्स से होती है जो उसकी बगल वाली सीट पर बैठा होता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो आदमी लीज़ा से कहता है कि लीज़ा के पिता उसके कब्ज़े में है, अगर उसने उसका एक काम नहीं किया तो वो उसके पिता को मार देगा। अब क्या है मिस्ट्री इस फिल्म की, वो आपको फिल्म के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। फिल्म की रेटिंग 6.5 की है, और ये फिल्म हिंदी डब में अवेलेबल है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। एज ऑफ डार्कनेस, इस फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो इस फिल्म के मेन कैरेक्टर में है थॉमस, जो कि एक जासूस है जो एयरपोर्ट से अपनी बेटी एमा को पिकअप करता है। एमा की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसे बार बार वामिटें आती है, उसके नाक से खून आता है। तो थॉमस जो है एमा को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उन पर हमला होता है और एमा को एक गोली लगती है, और वहीं पे जो है एमा की मौत हो जाती है। उसके बाद जो है थॉमस को अपनी बेटी से रिलेटेड काफ़ी सारे सीक्रेट पता चलते हैं, और थॉमस जो है अपनी बेटी का केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। बाकी चीज़ आपको इस फिल्म में ही देखने को मिल जाएगी। इस फिल्म की स्टोरी दमदार है, इसका सस्पेंस भी अच्छा है, और इस फिल्म की रेटिंग जो है 6.6 की है। ये फिल्म हिंदी डब में अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। अननोन, इस फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो इस फिल्म के मेन कैरेक्टर में है मार्टिन। मार्टिन अपनी पत्नी के साथ एक सम्मेलन में जाने के लिए बर्लिन जाता है। वहाँ जाने के बाद उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट से रिकवर होने के बाद जब वो अपनी वाइफ के पास आता है और उस सम्मेलन में जाता है, तो उसकी वाइफ और सम्मेलन वाले लोग जो है उससे एक ही सवाल पूछते हैं, हु आर यू। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप सुबह सोकर उठते हैं और आपके घर वाले आपसे पूछते हैं, कौन हो भाई तुम। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि मार्टिन की पहचान किसने छीनी और क्यों। काफ़ी अच्छी, और फिल्म की रेटिंग जो है वो 6.8 की है। ये फिल्म हिंदी डब में YouTube के ऊपर अवेलेबल है तो आप इसे डायरेक्ट YouTube के ऊपर ही देख सकते हैं। इस फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो इस फिल्म के मेन कैरेक्टर में है डेविड। डेविड एक बड़ी कंपनी का मालिक होता है। जब उसका एक कार एक्सीडेंट होता है तब उसकी लाइफ जो है पूरी तरह से बदल जाती है। इस फिल्म की स्टोरी जो है वो दो चीज़ों में डाइवर्ट है, एक है डेविड के रियल लाइफ और एक है डेविड के सपनों की लाइफ, जिसके बीच में वो फ़र्क नहीं कर पाता। अब इस फिल्म की मिस्ट्री क्या है वो आपको इस फिल्म के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। इस फिल्म की रेटिंग जो है 6.9 की है, और ये फिल्म हिंदी डब में अवेलेबल है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। माय कज़िन रेचल, इस फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड है। इस फिल्म की स्टोरी जो है वो रेचल नाम की एक औरत के इर्द गिर्द घूमती है, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने अपने पति की हत्या की है। उसने हत्या की है या नहीं वही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा।
आपको बता दूं, ये फिल्म जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूजिंग है, मगर ये फिल्म आपको कहीं भी बोर नहीं करेगी। इस फिल्म की रेटिंग 6 की है और ये फिल्म हिंदी डब में अवेलेबल है, तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। सर्चिंग। इस फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो जब 16 साल की एक लड़की गायब हो जाती है तब उसे ढूंढने का बस एक ही जरिया बचता है, उसका लैपटॉप, जिसमें काफ़ी सारे सीक्रेट छुपे होते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ की पुलिस उस लड़की को ढूंढने में नाकामयाब हो जाती है। तब उस लड़की के पिता उसे खुद ढूंढने का फैसला करते हैं और फिर जो है फिल्म के सीक्रेट खुलते हैं। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही दमदार है और इस फिल्म की रेटिंग जो है 7.6 की है। ये फिल्म हिंदी डब में अवेलेबल है, तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। द गेम। इस फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो इस फिल्म के मेन कैरेक्टर में है निकोलस वैन ओटन, जो कि एक बहुत ही अमीर इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। उसके बर्थडे पे उसका भाई उसे एक कंपनी का गेम वाउचर देता है। जब निकोलस जो है उस गेम वाउचर को इस्तेमाल करता है तब उसकी लाइफ जो है पूरी तरह से बदल जाती है। वो एक के बाद एक मुसीबतों में फंसता चला जाता है। आखिर क्या है वो गेम और क्या है इस फिल्म की मिस्ट्री, वो आपको इस फिल्म में ही देखने को मिल जाएगी। इस फिल्म की रेटिंग जो है 7.8 की है और ये फिल्म हिंदी डब में अवेलेबल है, तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऑर्फन। इस फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो एक कपल जॉन और कैट एक ऑर्फनेज में जाते हैं एक बच्चे को एडोप्ट करने के लिए। वहाँ वो जिस लड़की को एडोप्ट करते हैं उसका नाम होता है एस्तर, जो कि 9 साल की होती है। वो लोग उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बातें करती है और वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होती है। जब उसे एडोप्ट करके घर लाते हैं तब जो है कैट और जॉन को पता चलता है कि ये दिखने में एस्तर बहुत ही मासूम है, मगर इसके साथ ज़रूर कोई गड़बड़ है। और वो सीक्रेट क्या है वो आपको इस फिल्म में ही देखने को मिल जाएगा। इस फिल्म का सीक्रेट सस्पेंस में इतना ज़्यादा दमदार है कि आपका पूरा दिमाग हिला कर रख देगा। इस फिल्म की रेटिंग 6.9 की है और ये फिल्म हिंदी डब में अवेलेबल है, तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आप बात कर लेते हैं इस फिल्मों को डाउनलोड कहाँ से किया जाए। तो देखिए, हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ कि आप इसे मूवी रस से डाउनलोड कर सकते हैं, मूवी रस नाम की वेबसाइट से। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है कैट मूवी HD पे भी ये फिल्म मिल जाएगी। इसके सिवा जो है मूवी फ्लिक्स पे भी मिल जाएगी और जो है दूसरी भी बहुत सी वेबसाइट है, जैसे बोली फॉर यू, 9X मूवीज़, ये सारी वेबसाइट पर ये सारी फिल्में अवेलेबल है। और आपको बता दूं, अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है जिसमें हमने डाउनलोड करने का तरीका बताया था। तो अगर प्रॉब्लम होती है तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करें लाइक, अपने फ्रेंड में करें शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड बाय बाय।